सिखा रही हूँ चिकन शौरमा, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार। चले आए देखते हैं कि नज़ा की सूरत है। अस्सलामु अलैकुम, असमा किचन में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार किस्म के शौरमे बनाना सिखा रही हूँ। वो शौरमे बना रहे हैं हम जो रेस्टोरेंट वगैरह में बनते हैं। यकीन करें, ये रेसिपी आकर आप घर पे बनाएंगे तो आपके बच्चे कहेंगे मम्मा पापा रोज़ ही बना के दें। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार किस्म के शौरमे बन रहे हैं। उसके लिए जिन अज़ा की ज़रूरत है, 6 अदद शौरमे ले लिए। ये कोई सी भी आप कंपनी के ले सकते हैं शौरमे, 6 अदद शौरमे। एक ब्रेस्ट ली है मैंने, बंद गोभी का मैंने फूल है ये मैंने पूरा हाफ काट लिया इसको बारीक बारीक। 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट पाउडर लिया मैंने, अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, मैंने पाउडर लिया है। लहसुन का पाउडर लिया है, 2 टीस्पून सोया सॉस है और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया मैंने, 1/2 टीस्पून साबुत धनिया कुटा हुआ और 1/2 टीस्पून काली मिर्च लिए मैंने, 2 चुटकियाँ जर्दे रंग की लिए हैं। 1 टीस्पून मैंने चिली सॉस लिया है, 2 टीस्पून सिरका लिया है और 1/2 टीस्पून हल्दी ली है। सबसे पहले हमने चिकन को काटना है बिल्कुल स्लाइस में। देखें किस तरह काटती हूँ मैं। तेज़ नाइफ़ लेनी है, तेज़ नाइफ़ लेके हमने इसको सेंटर से काट लेना है इस तरह, हाथ को बचा के। इसके हमने बिल्कुल पीसीस पतले पतले बनाने हैं, बिल्कुल मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह के हमने पीसीस बनाने हैं, इस तरह के बिल्कुल बारीक पीसीस बनाने हैं, पतले पतले से हमने पीसीस बनाने हैं ताकि जिस वक्त हम इस पे मैरिनेट करें तो मसाला अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए और ये हमारा फ्राई पैन पे तवे पे अच्छे तरीके से। अब जो बाज़ार में मिलता है वो ग्रिल मशीनें होती हैं, उनके पास ग्रिल पे लगा हुआ होता है पूरा चिकन उनका मैरिनेट हुआ हुआ और उसमें से वो काट काट के लगाते रहते हैं साथ साथ शौरमे के। तो ये हम घर पर तैयार कर रहे हैं और घर पर ज़रूरी नहीं होता कि हर एक के पास मशीन हो, तो आप इस तरीके से बनाएं तो बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट आएगा। और बना के ज़रूर आपने बताना है कि आपको किस तरह की आपकी बनी। ये मैं बिल्कुल आपको पहुँचे सारे। आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो यकीन करें बाहर का खाना आप बिल्कुल भूल जाएंगे। ये देखें चिकन के मैंने इस तरह के पार्चे बना लिए आपके सामने। अब मैं इसके अंदर मसाले सारे शामिल करके इसको मैरिनेट करूँगी। सबसे पहले मैंने सिरका शामिल कर दिया है, इसमें चिली सॉस, हल्दी, फूड कलर ले लें आप, जर्दा रंग लिया मैंने, धनिया, काली मिर्च, लाल मिर्च, सोया सॉस, लहसुन का पाउडर अदरक पाउडर, ये सब चीज़ें हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे हाथ की मदद से। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से मसाला हर एक बोटी पे लग गया। ये देखिए बहुत अच्छे से इसको 10 मिनट के लिए मैं मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। इतनी देर में हम जो शौरमे की ब्रेड है उसको हम देख लेते हैं। एक पैन में मैंने हल्का सा ऑयल डालना है, हल्का हल्का सा ऑयल लगा के इस ब्रेड को हमने अच्छे तरीके से सेक लेना है ताकि ब्रेड ये थोड़ी सी कच्ची होती है, इसको खुद करना पड़ता है, सेकना पड़ता है खुद, और हल्की सी ज़रा सी ब्राउन हो जाएगी फिर मैं इसको उतारती हूँ आपको दिखाती हूँ। ये देखें ब्रेड हमारी कितनी अच्छे तरीके से हो गई है। इसको मैंने हाथ से ही इस तरह ही करके, ये देखिए इस तरह की ब्रेड चाहिए हमें। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। सब कर लिए, अब मैं इसमें हल्का सा ऑयल डालना है, बस इतना सा ऑयल डालना है, 1 टीस्पून के करीब ऑयल है हमारा। और इसके अंदर मैं चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है, 10 मिनट हो गए हमें, और सारा ऑयल इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। ये देखें कितना नाइस सा कलर आ रहा है और चिकन भी अच्छे तरीके से हो रहा है। ये देखिए 1 टीस्पून ऑयल डालना है, इससे ज़्यादा हमने ऑयल नहीं डालना। ये देखिए बहुत ही टेस्टी बनते हैं शौरमे में। ये देखिए एक साइड से हो गया है, ये देखिए चिकन, और मैंने इसको दूसरे साइड कर दिया। ये देखिए
और अंदर से ये बिल्कुल वाइट होगा, अंदर से बिल्कुल भी नहीं होगा, ये अंदर से वाइट ही होगा, जिस तरह शॉर्मे में चिकन आता है उसी तरह होगा। ये चिकन हमारा बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको काट के दिखाती हूँ इसकी बोटियों को, जिस तरह इसकी पीसीस करने हैं हमने, और वो पीसीस हमने करके शॉर्मे में रखी। ये हमने एक डिश पे निकाल लिए और इसको हम पकड़ेंगे, और ये देखें कितना जूसी बना है हमें, ये देखें। ये सारे मैंने इसी तरह पीसीस बना लेने हैं, इस तरह करके ये साइड से मैंने इस तरह काट लेने हैं सारे। ये शॉर्मे में इस तरह के ही पीसीस होते हैं, ये देखें, ये देखें शॉर्मे का चिकन तैयार है, बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी हो गया है। और ये वाइट सॉस और ये रेड सॉस साथ शॉर्मे की रोटी और साथ बंद गोभी, ये अब हम करते हैं इसको मिक्स करके। मैं आपको बताती हूँ ये किस तरह करनी है, शॉर्मे की ब्रेड किस तरह लेनी है हमने। सबसे पहले हमने रेड सॉस लगानी है। आप अगर बच्चे पसंद करते हैं रेड सादा चिली सॉस तो आप लगाएं, और अगर कम स्पाइसी खाते हैं तो कम लगाएं, इसको ज़्यादा ना लगाएं, क्योंकि बड़े अगर खाते हैं तो फिर बड़े ज़्यादा लगा देते हैं। ये देखें वाइट सॉस लगाएंगे, चिकन डालेंगे, देखिए चिकन डाल दिया, फिर हम इसमें वाइट सॉस लगाएंगे और इसको फोल्ड करेंगे। एक शॉर्मा हमारा रेडी हो गया है, अब हम इसी तरह दूसरे शॉर्मे भी तैयार करते हैं, तैयार करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मज़ेदार किस्म के शॉर्मे रेडी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है। मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम।